लोग देख रहे हैं कुछ एनसीईआरटी के बाहर की ट्रिक जो होती है। एक तो है क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं, और क्लोराइड शिफ्ट के उल्टा शिफ्ट होता है उसको इन्वर्स क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो अगर क्लोरीन एटम प्लाज्मा से निकलकर आरबीसी में चला जाए, यानी कि पी से आर में जा रहा है, यानी कि पी के बाद में अल्फाबेट में पी से आर में जा रहा है, तो सही है, तो क्लोराइड शिफ्ट होगा। लेकिन आर से पी में आ रहा है, यानी कि अल्फाबेट के उल्टा आ रहा है, एबीसीडी में आप देखिए तो आर बाद में आता है और पी पहले आता है, तो आर से पी में आ रहा है, उल्टा जा रहा है, तो हमने कह दिया है इन्वर्स क्लोराइड शिफ्ट। और इसका कारण होता है बाइकार्बोनेट आयन, इनको संतुलन करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट होता है। अगर उत्तक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, इस घटना को कहते हैं बोहर इफेक्ट। अगर उत्तक के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, उसको कहते हैं रूट इफेक्ट। और अगर कुपिका में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है उसको कहते हैं हल्दाने इफेक्ट। याद, इन तीनों को याद करने की ट्रिक है कि OH कभी HR बन जाता है, यानी कि एल्कोहल कभी एल्केन में चेंज हो जाता है। RH या HR तो एक ही बात है, RH लिख दो तो एल्केन हो गया, ये OH कभी एल्केन बदल जाता है। तो ऑक्सीजन अगर अधिक होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, उसे कहेंगे हल्दाने इफेक्ट। CO2 अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, बोर इफेक्ट। और अगर H+ ज्यादा होगा तो फिर से O2 को छोड़ देगा, इसे कहेंगे रूट इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी गारंटी ली जा सकती कि क्वेश्चन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है वो तीन मेथड से होता है, सबसे ज्यादा होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बाइकार्बोनेट मेथड।